everyone, this is Arpana and welcome to my channel All About Kids. The main focus of this channel is to help kids and teach your little ones. मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी कि आपको किस एज से आपको क्या बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और आपको कब क्या क्या अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए. स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ सिखाएं, बट वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस एज ग्रुप से आपको उनको ट्रेन करना चाहिए, कब आपको क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए. कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमारा बच्चा अभी 6 मंथ का, 9 मंथ्स का, जब भी वो 2 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा तभी मैं उसको कुछ सिखाना स्टार्ट करूंगी. ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है लोगों को. कुछ भी सिखाओगे आप देखोगे कि आप कुछ बोलते हो तो वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं. सो आपको ये वेट नहीं करना है कि हमारा बच्चा अभी बोल नहीं पा रहा है, हमारा बच्चा अभी बहुत एक्टिव नहीं है, हमारा बच्चा जब भी बड़ा हो जाएगा तब मैं आपको ये ट्रेन करूंगी वो ट्रेन. क्या होता है कि हर चीज सीखने का एक टाइम होता है. आप उनको स्टार्टिंग से ट्रेन करोगे तो वो एक अलग ही आपको ग्रोन अप देखने को मिलेगा. सो आपको स्टार्टिंग से ही 6 मंथ से ही आपको ये समझना है कि हमारा बच्चा सब कुछ समझता है. तो आपको मैं अपनी वीडियो में यही लेकर आऊंगी कि आपको अपने बच्चे को कब और क्या इंट्रोड्यूस करना है, आपको इस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आपको अपने बच्चे को ट्रेन करना है. ये नहीं वेट करना है कि हम अपने बच्चे को जब भी वो इतना इस एज का हो जाएगा तब मैं उसको ये सिखाऊंगी. नहीं, जब भी कि आपको कब क्या चीजें उसको इंट्रोड्यूस करना है और कब किस एज में क्या सिखाना है. कभी कभी कुछ बच्चों का रहता है वो लेट बोलना सीखते हैं, कभी कुछ बच्चे होते हैं लेट वॉक करना सीखते हैं, बट हमें इस चीज का वेट नहीं करना है. बच्चे कैसा भी आउटपुट दें बट आप उसको जैसा सिखाएंगे वो जब भी स्टार्ट करेगा बोलना वो सारी चीजें सीख कर आगे आपको एक अलग ही आउटपुट देगा. सो आपको ये वेट नहीं करना है कि हमारा बच्चा बहुत जब ये बड़ा हो जाए तभी मुझे ट्रेन करना है. सो आज का वीडियो हमारा टॉयज बेस्ड है कि हमें एजुकेशनल टॉयज अपने बच्चे को किस एज पर प्रोवाइड करना चाहिए. सो मेरा फर्स्ट टॉयज है एजुकेशनल टॉयज, आप कह सकते हो. आप सभी बोलोगे कि अरे ये कौन सा स्पेशल एजुकेशनल टॉयज है, बट नहीं, मैं आपको ये बताऊंगी कि ये आपको स्लेट किस एज में अपने बच्चे को देना चाहिए. ये नहीं है कि ये कुछ स्पेशल है, बट आपको ये कब देना चाहिए और इसको आप राइट एज पर देने से आपके लिए क्या प्लस पॉइंट होगा. सो ये एक स्लेट है और आप सभी को पता होगा ये कोई बहुत यूनिक चीज नहीं है, बट मैं आपको एजुकेशनल टॉयज इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट इसी चीज से स्टार्ट करूंगी. इसमें ये सारे अल्फाबेट्स होते हैं तो आप सोचोगे कि ये कब हमें देना चाहिए. ये जब भी बच्चा आपको 1 ईयर होने लगे तो आपको ये स्लेट लाकर देना है, ठीक है. अभी सभी पेरेंट्स ये सोचेंगे अरे 1 ईयर के बच्चे को ये क्या देना है, वो अल्फाबेट्स में क्या करूंगी अभी स्टार्टिंग से अल्फाबेट सिखा के. और कुछ पेरेंट्स का तो ये भी मानना है कि अरे अभी उसको प्लेइंग टाइम है, फन का एज है, मैं उसको 6 मंथ या 1 ईयर से ही ये सब क्यों दूं, एजुकेशनल टॉयज क्यों प्रोवाइड करूं और जब भी वो स्कूल जाएगा तो सीखेगा ही. हम सब जानते हैं कि एक राइट टाइम पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अभी अल्फाबेट्स नहीं सीख पाएगा नंबर. बट आप कोई भी चीज किसी भी बच्चे को बिफोर टाइम अगर आप सिखा पाते हो तो वो आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के आता है. सो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चे को 1 ईयर का हो तो आपको ये स्लेट प्रोवाइड करना है और उसको ये सिखाने कुछ सिखाना नहीं है, ना तो आपको उन पर बर्डन डालना है कि नहीं आपको 1 ईयर में ABCD सीख के दिखाओ. ये कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एज अ टॉयज उसको देना है. वो इसमें क्या करेगा, कलरफुल चीजें हैं, कलरफुल बच्चों को बहुत पसंद होता है तो ये सारे अल्फाबेट्स कलरफुल हैं, वो उसको देखकर ही बहुत हैप्पी होगा. सो आप उसको रिमूव करके दे दीजिए, बस वो उनको देखेगा इसमें कहाँ पर फिक्स है, वो धीरे धीरे उनका ब्रेन बूस्टअप होगा कि वो देखेगा कि अरे यहाँ पर ए होता है यानी यहाँ कौन सा पिक्चर है, एप्पल है. सो आपको कुछ उनको सिखाना नहीं है, ना तो बताना है कि ये आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, बट एज अ टॉयज आपको प्रोवाइड करना है. वो देखेगा और धीरे धीरे वो यहाँ पर अल्फाबेट्स फिक्स करना सीख जाएगा. सो 4 या 5 मंथ्स के बाद आप देखोगे कि वो सारे अल्फाबेट्स रिकग्नाइज भी करेगा और उसको पिक्चर के साथ रिलेट भी करना सीख जाएगा. सो फर्स्ट ये स्लेट बहुत कॉमन है, इसके पीछे डस्टर एंड चॉक भी होता है तो आप उनको थोड़े दिनों बाद दे सकते हो, वो स्क्रबलिंग करने को दोगे उससे उनका हैंड्स कोऑर्डिनेशन सही होगा. सो फर्स्ट ये है.
इसके बाद सेकंड, आप 1 ईयर के बच्चे के लिए क्या दे सकते हो, ये ब्लॉक्स। अभी ये सोचोगे कि इसमें क्या एजुकेशनल है, बट एजुकेशनल एज अ कलर रिकॉग्नाइज के लिए आप इसको दे सकते हो। इसमें क्या होगा कि आप बच्चों को ब्लॉक्स भी दोगे, वो टॉवर फिट करेंगे, इससे उनका हैंड्स कोऑर्डिनेशन, ब्रेन बूस्टिंग, वो इसमें हर ऐसा इतना इजी भी नहीं होता है, उसको फिक्स करना सीखेंगे। सो उनका हैंड कोऑर्डिनेशन सही होगा, उनका जो मोटर स्किल होता है वो भी इम्प्रूव होगा। सो ये सब चीजों के लिए आप ये ब्लॉक्स दोगे, उनका बहुत ही अच्छा हैंड्स कोऑर्डिनेशन होगा, प्लस आप कलर रिकॉग्नाइज करना सिखा सकते हो। कभी भी आप ये मत सोचो कि अभी हमारे बच्चे का राइट एज नहीं है कुछ सिखाने का। देखो, आप फन वे में अपने बच्चे को कुछ भी अगर सिखा रहे हो, उसको ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है, वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज होता है। सो आप अपने बच्चे को अगर स्मार्ट बनाना चाहते हो, इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो, तो आप ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप उनके लाइफ में जरूर इन्वॉल्व करें, और आप देखोगे कि उसका कितना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। सो ये रहेगा इसका हैंड कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल सपोर्ट, एंड ऑल्सो फॉर द कलर रिकॉग्नाइजेशन। सो आप इसको दे सकते हो कलर रिकॉग्नाइज करने के लिए, इसका हैंड्स कोऑर्डिनेशन के लिए, और इसके साथ वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसको सेट करेंगे। सो उनको फिक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा एक इंगेज इज। आप ये किस एज में दोगे, जब भी वो 1.5 साल और 2 साल के बीच होगा तभी आपको ये देना है। ये क्या है, इसके लिए ये स्टोन है, ठीक है, ये ऐसे स्टोन है। ये आप किसके लिए दोगे, सिर्फ आपको बच्चे को इंगेज कर सकते हो इसको देके, इससे आप बच्चे को कलर रिकॉग्नाइज करना सिखाते। बिफोर टेलिंग दिस स्टोन, फर्स्ट आप ये दे सकते हो 1.5 साल के बच्चे को, ठीक है। सबसे पहले आप अगर अपने बच्चे को ये चाहते हो कि हमारा बच्चा सारे कलर पहचानना स्टार्ट कर दे, तो आप 1.5 साल के बच्चे को ये कलर पेन दोगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप इसको दो और वो उसको लिखना सिखा दो, बट आप ये कलर पेन दो, इससे आप जब लेके आओ तो सबसे पहले ये नहीं कि आप उसको स्टार्ट कर दो, आप एक ब्लैंक पेपर दो और उसमें उसको स्क्रबलिंग करने को दो, वट एवर दे वॉन्ट दे डू, बट आप उनको दो। इसके बाद इंट्रोड्यूस करना सिखाओ कि व्हाट्स द कलर ऑफ दिस पेन एंड राइट। सो उनको इंटरेस्ट, उनमें बहुत इंटरेस्ट आएगा, वो लिखेंगे और वो बहुत हैप्पी होंगे और हैप्पी मूड में। सो कहते हैं ना कि लेट्स लर्न विद फन, तो आपको फन वे में उनको कुछ ना कुछ सिखाना है। तो देखो, आप बहुत ही इजी वे में विदाउट बर्डन आप उनको कलर रिकॉग्नाइज करना सिखा सकते हो। सो आप ये कलर सिंपल दोगे और उनको स्क्रबलिंग भी सिखाओगे और उसके साथ साथ वो कलर रिकॉग्नाइज। एंड वन मोर थिंग, आप ये कलर रिकॉग्नाइज करने के बाद उनके ब्रेन में कैसे ये चीज एकदम फिक्स हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक आप 1-2 टाइम्स या जितने टाइम्स में आपका बच्चा का कैचिंग पावर हो आप सिखाओ। इसके बाद जब भी आप उसको घूमने ले जाओ या आप अपने सराउंडिंग जो भी चीजें हैं उसके साथ उसको कोरिलेट करना सिखाओ कि आपका व्हाट्स द कलर ऑफ योर क्लोथ, व्हाट्स द कलर ऑफ योर शूज, योर टॉयज, लीफ, प्लांट, ग्रास। सो आप उनके साथ कोरिलेट करोगे तो उनके ब्रेन में ये चीजें फिक्स हो जाती है कि अच्छा, ये ग्रीन कलर का लीफ होता है, दैट मीन्स ये ग्रीन कलर होता है। तो इस तरह से बच्चा 1.5 से 2 साल के अंदर ही कलर रिकॉग्नाइज करना कंप्लीटली सीख जाता है। सो एक ये टॉयज है, एज अ एजुकेशनल टॉयज यू कैन इंट्रोड्यूस देम। सो एंड द थर्ड इज, ये एक बेस्ट इनडोर एक्टिविटी के रूप में काम आएगी, आपका बच्चा बहुत इंगेज भी रहेगा। और इसको आपको क्या करना है, बच्चे को सारे कलर्स को सेपरेट करना सिखाओ, सॉर्ट आउट करना सिखाओ कि अरे ये ग्रीन है तो आपको ग्रीन ग्रीन अलग करना है, फिर येलो आपको सेपरेट करना है, ऑरेंज आपको सेपरेट करना है। सो ऐसे वो डिफरेंट डिफरेंट कलर को सॉर्ट आउट करना भी सीखेंगे, एंड इसके साथ वो बहुत ही इंगेज भी रहेंगे। एंड द सेकंड थिंग, आप इसके साथ कलर भी उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो आप उनको एज अ इंडोर एक्टिविटी में इंगेज कर सकते हो, प्लस कलर भी बता सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज मैट, ये एक पजल मैट है। इसके साथ आपको क्या करना है, बच्चे को अल्फाबेट्स सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना सिखाना है, ठीक है। तो इसमें अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, आप इनको एक ऐसे इसमें फिक्स करना सिखाओगे, ओके,
और इससे ये भी सीखेंगे कि आपको ये अल्फाबेट्स किस मैनर में लिखना है। धीरे धीरे वो सीखेंगे कि व्हाट कम्स आफ्टर ए, व्हाट कम्स आफ्टर बी, सी, डी एंड लेटर ऑन। सो इससे वो एक राइट वे में पूरा अल्फाबेट्स भी सीख जाएंगे, प्लस इससे वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी बना सकते हैं। जैसे आप इसे हाउस बनाने को दे सकते हो, ट्रेन का आप डब्बा जैसे भी बना सकते हो, एंड सो मैनी थिंग्स। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी। सो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में आप इस मैट से, सो बहुत ही अच्छी इंडोर एक्टिविटी है, लर्न विथ फन। ये इससे कलर भी सीखेंगे प्लस अल्फाबेट भी सीखेंगे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप उनको सिखाओगे कि व्हाट कम्स आफ्टर ए, व्हाट कम्स आफ्टर बी। सो वो एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे कि ए एंड देन बी देन सी देन डी। सो इसके साथ साथ वो पूरा एक सिस्टमेटिक वे में अल्फाबेट्स भी सीख जाए, इम्पॉर्टेंट वाइज है ये। इसके लिए बहुत सारे फ्रेंड्स ने हमें पूछा भी है कि आपने ये कहाँ से लिया है। ये बहुत ही हेल्पफुल टॉयज है, आप ये जरूर अपने बच्चे को दो। वैसे तो ये टॉयज 3 ईयर्स के लिए है, बट मैंने अपने बच्चे को 2 ईयर्स में ही इंट्रोड्यूस किया था और ये बहुत ही हेल्पफुल रहा है। सो आप भी ट्राई करो। मेरा तो ये कहना है कि अगर आप उसको राइट एज से पहले ही दोगे तो वो जब भी परफेक्ट एज में पहुंचेगा वो उस चीज में बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा। सो अगर ये 3 ईयर्स के लिए है और अगर आप उसको 2 ईयर्स से अपडेट करोगे, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ कि आप अपने बच्चे को इतने एज से स्टडी करना सिखाओ, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी मैं। विदाउट बर्डन यू कैन टीच देम एंड मेक देम लर्न। सो कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, ना तो आपको अपने बच्चे पर कोई बर्डन डालना है, बस आपको एक फन वे में कुछ सिखाना है। सो आपको ये ट्राइज अपने बच्चे को अप टू 2 ईयर या आप जब भी वो 2 कंप्लीट हो इसके बाद आप उसको दे सकते हो। इसमें करना क्या है, सिंपल सी चीजें हैं। इसमें बहुत सारे कार्ड हैं, इस कार्ड में बहुत वर्ड पावर इम्प्रूव होगा, अल्फाबेट्स पिक्चर के साथ दिया हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने बच्चे को जब भी कोई चीज इंट्रोड्यूस करो विद पिक्चर करो, आप देखोगे कि वो बहुत ही इजिली समझता है। तो इसमें आपका इस पिक्चर के साथ में आप वर्ड्स दिए हुए हैं तो वो उनको पिक्चर के साथ ये देखेंगे कि ये बोट है, देन कैमल है, और इसमें ब्लॉक्स भी रहते हैं जिसके साथ साथ वो जैसे जैसे बड़े होंगे, 2.5 ईयर का होगा तो बच्चा यहाँ पर आप उनको सिखाओगे कि ये ब्लॉक्स यहाँ पर सेट करना है और आपको बोलना है कि क्या होगा। जैसे ये इसमें ब्लॉक्स हैं, सो ये ब्लॉक्स आपको उसको लेना है, जैसे आपको बोलना है फाइंड आउट वेयर इज बी, सो वो फास्ट यहाँ से फाइंड आउट करेगा एंड यहाँ पर बी पुट करेगा। देन व्हाट इज नेक्स्ट, ओ, सो व्हाट इज द नेक्स्ट अल्फाबेट, ओ। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, सो आपको ऐसे उनको एनकरेज करना है और सिखाना है कि कैसे आपको इसका स्पेलिंग लर्न करना है। जैसे अभी नेक्स्ट इज ए एंड देन लास्ट इज टी, तो ऐसे आप बच्चों को वहां पर पुट करना सिखाओ और देन फिक्स करने के बाद उसको रीड अलाउड बी ओ ए टी बोट। सो ऐसे करके वो धीरे धीरे इनका पूरा स्पेलिंग भी लर्न कर लेंगे विदाउट एनी मोर एफर्ट। सो नेक्स्ट इज आप उनको नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ है, बट इस एज में सिर्फ आप नॉर्मल छोटी छोटी चीजें ही सिखाइए। मेरा ये टारगेट है कि बिफोर स्कूलिंग आप अपने बच्चे को इतना ट्रेन कर दो कि जब वो स्कूल जाए तो एक अलग ही अपना बच्चा परफॉर्म करे। सो नेक्स्ट इज आपको ये मैथ्स के नंबर दिए हुए हैं एडिशन करने के लिए। सो इसमें 2 टाइप्स के ब्लॉक्स दिए हुए हैं, नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। सो नंबर्स के लिए हमें इसमें से ये नंबर निकालना है और बच्चे को सबसे पहले हमें ये सिखाना है विथ पिक्चर। सो व्हाट इज दिस अर्थवॉर्म, सो काउंट इट, हाउ मेनी अर्थवॉर्म इज हियर, 1, 2 एंड 3। सो से फाइंड आउट वेयर इज 3, सो वो यहाँ पर 3 पुट करेंगे। देन आप उनको इंट्रोड्यूस करो कि व्हाट इज द एडिशन साइन प्लस एंड व्हाट दैट मींस, प्लस दैट मींस एड मोर। आप उनको एक नॉर्मल बेसिक लाइफ
से आप एक एग्जांपल कोरिलेट कर सकते हैं, आप बता सकते हो यू हैव वन चॉकलेट टू एंड आई हैव थ्री चॉकलेट, सो एड हाउ मेनी इज टोटल वी हैव। सो ऐसे करके आप उनको फर्स्ट इंट्रोड्यूस करिए और देन आप ऐसे सिखाइए। सो थ्री एंड देन प्लस एंड व्हाट इज द नेक्स्ट फोर, सो फोर। नाउ आप उनको इंट्रोड्यूस करिए कि व्हाट इज द साइन ऑफ दिस, देन इज इक्वल एंड देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ अर्थवर्म हियर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, देन व्हाट कम्स सेवन। सो इस तरह से आप इस ट्वाइज के साथ उनका वर्ड पावर भी इंप्रूव कर सकते हैं, प्लस नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन सो मेनी थिंग्स।